और गाइस, मैं हूँ एमुगा पोर्टल पे, इनकी साइट पे emuga.immigration.government.mv, और यहाँ पे हम देखेंगे कि किस तरीके से आपको हेल्थ डिक्लेरेशन सबमिट करनी होती है। सबसे पहले तो आपको इंस्ट्रक्शंस मिल जाती हैं, जो भी जानने की ज़रूरत है आपको चीज़ें वो आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे बहुत क्लियरली। तो सारा प्रोसेस यहीं एक्सप्लेन किया हुआ है। अब यहाँ पे दो ऑप्शंस मिलते हैं आपको, अराइवल एंड डिपार्चर। तो जब आप इंडिया से या कहीं से भी अगर आप मालदीव्स एंटर करेंगे तो पहले अराइवल कार्ड आपको जो है भरना पड़ेगा, अराइवल फॉर्म भरना पड़ेगा। और जब आप मालदीव्स को छोड़ेंगे वापस अपनी कंट्री के लिए तो उस दौरान भी आपको एमुगा पोर्टल भरना है। दोनों फॉर्म्स में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, आइडेंटिकली हैं। तो मैं फटाफट से आपको दिखा देता हूँ। नेशनैलिटी यहाँ पे भरनी होती है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, पासपोर्ट नंबर, योर सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, पासपोर्ट एक्सपायरी डेट आपकी, ईमेल एड्रेस आप दे सकते हैं, पोर्ट ऑफ एंट्री, अगर आप मौले एयरपोर्ट उतर रहे हैं, यूजुअली लोग जो है मौले एयरपोर्ट उतरते हैं तो आप यहाँ पे वो सबमिट कर सकते हैं। अपना होम कंट्री का मोबाइल नंबर आप स्पेसिफाई कर सकते हैं, मतलब कि इंडिया का, पाकिस्तान का या बांग्लादेश का डाल सकते हैं। अराइवल डेट आपको स्पेसिफाई करनी, किस फ्लाइट से आप आ रहे हैं उसका फ्लाइट का नंबर आपको यहाँ पर स्पेसिफाई करना होता है, किस सीट पर आप बैठे, ऑप्शनल है पर आपके पास अगर है तो आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। कंट्री ऑफ बिगनिंग ऑफ दिस ट्रिप, तो वो आप जैसे कि फॉर इंस्टेंस इंडिया आप चूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। ड्यूरेशन ऑफ स्टे आपको बताना है कि 4 या 5 दिन 10 दिन के लिए आप रुक रहे हैं। कंट्री ऑफ रेजिडेंस जहाँ पे आप रहते हैं, ठीक है। मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यहाँ पे आपको बताना पड़ता है, बाई एयर बाई सी। जैसे कि यहाँ पे आपको एक फ़ोटो लगानी पड़ती है। अब ये फ़ोटो ज़रूरी नहीं है कि आप किसी फोटोग्राफर से जाके खिंचवाएं, आप अपने फ़ोन से किसी जहाँ पे सफिशिएंट लाइट हो और वाइट बैकग्राउंड हो या थोड़ा सा बैकग्राउंड जो है लाइट हो, आपने एक फ़ोटो फ़ोन से खींच के यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं बहुत इजीली। फिर आपको यहाँ पे ये स्पेसिफाई करना होता है नीचे कि किस आइलैंड में आप जा रहे हैं, ठीक है। सेलेक्ट द आइलैंड यू विल बी स्टेइंग, यहाँ पे स्पेसिफाई करना है। फॉर इंस्टेंस सबसे इजी ऑप्शन जैसे मफूशी रहता है लोगों के लिए, मौले रहता है, तो आप स्पेसिफाई कर सकते हैं यहाँ पे। विच फैसिलिटी गेस्ट हाउस विल यू बी स्टेइंग इन, तो वो जो गेस्ट हाउस है उसका एड्रेस, उसका नाम, सब कुछ आपको यहाँ स्पेसिफाई करना होता है। पर्पज़ ऑफ योर ट्रिप, क्या पर्पज़ है आपका ट्रिप का, टूरिज्म के लिए जा रहे हैं तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए हैं, हॉलीडे, बिजनेस, ऑफिशियल और डिप्लोमेटिक, विजिटिंग फ्रेंड्स रिलेटिव्स, ट्रांजिट, कॉन्फ्रेंस, एम्प्लॉयमेंट, तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। चलिए और नीचे चलते हैं आगे। फिर इसके अलावा येलो फीवर, ये एप्लीकेबल नहीं है, यूजुअली ये अफ्रीकन कंट्रीज पे होता है, तो इस आप इसे स्किप कर सकते हैं। इसके अलावा जो है यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं कंट्री लिस्ट, तो आपको पता लग जाएगी कौन सी वो कंट्रीज़ हैं जिनको येलो फीवर सर्टिफिकेट सबमिट करना होता है। इसमें से इंडिया का नाम नहीं है, पाकिस्तान या बांग्लादेश का नाम मैं नहीं देखता। इसके अलावा जो आपको, इज़ योर रिटर्न ट्रैवल प्लान, Do you have proof of negative PCR, तो उसका आपको फाइल जो है यहाँ पे अपलोड करना होता है जो आप अपनी कंट्री से करा के चलेंगे। अब जैसे हमने बात की, जो आपका PCR टेस्ट है दैट शुड बी विद इन 96 आवर्स प्रायर टू योर डिपार्चर फ्रॉम योर पोर्ट ऑफ एम्बार्केशन, तो 96 आवर्स की वैलिडिटी का आपका होना चाहिए, उसके अंदर का होना चाहिए। इसके अलावा आपको वैक्सीन सर्टिफिकेट जो है अपना, दोनों डोजेज जो आपने लगवाई हैं उसको भी अपलोड करना होता है। आप देख सकते हैं फोटो ऑफ योर वैक्सीन कार्ड, पासपोर्ट, That's all you have to do. Countries that you have traveled to or transited in the last 14 days. तो अगर पिछले last 14 days में आपकी कोई travel history है बाहर की, तो वो भी आपको यहाँ पे specify करनी होती है, नहीं तो आप India choose कर सकते हैं इसमें simply. And submit this form. अब same goes for departure. Departure means departure from Maldives. तो उस form को भी हम जो है फटाफट से एक बार revise कर लेते हैं, ज़्यादा difference नहीं है, मैंने आपको बताया कि almost same ही हैं fields. तो डिपार्चर पे जब आप जाते हैं तो नेशनैलिटी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, पासपोर्ट नंबर, जितने भी क्रेडेंशियल्स हैं आपके, प्लेस ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, पासपोर्ट एक्सपायरी डेट, आपका कंट्री का फ़ोन नंबर, सेम फॉर्म है, मैंने आपको बताया जैसे कि कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये सब चीज़ें आपको भरनी है और अपनी फ़ोटो लगानी, एक और फ्रेश फ़ोटो आप लगा सकते हैं, या सेम फ़ोटो को यूज़ ना करें, मैं रिकमेंड नहीं करता आप सेम फ़ोटो को यूज़ करें, आप एक सेल्फी मोड में जाके फ़ोन से एक फ़ोटो लेके अपलोड कर दें फटाफट से, लेकिन वो ध्यान रहे कि फ़ोटो आपकी क्लियर हो। आइलैंड यू, आई सेलेक्ट द आइलैंड यू स्टेड, तो यहाँ पे आप जिस होटल में रुके थे उसका एड्रेस, उसका नाम और अपना पर्पज़ जो है ट्रिप का जो है वो भी आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा। यहाँ पे हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म, कोविड 19, हैव यू हैड एनी ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स, फीवर, कफ, थ्रोट वगैरह, ये सब चीज़ें जो हैं येस नो के अंदर आपको जवाब देना है। डज योर कंट्री रिटर्न डेस्टिनेशन रिक्वायर प्रूफ ऑफ नेगेटिव PCR टेस्ट रिपोर्ट फॉर कोविड 19 रिजल्ट अपॉन अराइवल, तो यूजली सभी कंट्रीज मांगती हैं, चाहे आप इंटरनेशनल ट्रिप करके आ रहे हों
या फॉरनर हो जो इंडिया में एंटर कर रहे हो, तो एनी हाउ ये आपको अपलोड करनी है। तो उसकी जो आप वहाँ टेस्ट कराएंगे, जो यूजुअली आपको $60 का वैसे पड़ता है आइलैंड पे, किसी भी आइलैंड पे जो उसका एक एवरेज कॉस्ट है वो $60 के बीच में है, जो 4500 इंडियन रुपीज़ में होता है INR में, उसकी कॉपी आपको यहाँ पे लगानी है। दैट्स ऑल यू हैव टू डू। और डू यू हैव प्रूफ ऑफ नेगेटिव, येस कर दें और यहाँ पे फाइल को अपलोड कर दें आप, ठीक है। बस इतना ही करना है। डज द रिटर्न फ्लाइट ऊपर पड़े, एयरलाइन वेसल रिक्वायर प्रूफ ऑफ नेगेटिव PCR, येस। डज योर रिटर्न डेस्टिनेशन रिक्वायर प्रूफ ऑफ नेगेटिव PCR, येस। तो आप इसे टिक कर सकते हैं सभी प्रेफरेंसेस को एंड सबमिट द फॉर्म। सो दिस इज़ अबाउट Emuga पोर्टल, जो कि बहुत सिंपल है मेरे हिसाब से। अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं, PDF फाइल्स हैं, तो आपको हार्डली मैं ये समझता हूँ कि आधे घंटे से ज़्यादा का टाइम नहीं लगेगा इसको फिल करने में। फिर दूसरा फॉर्म, खासकर जब आप रिटर्न कर रहे हैं इंडिया, खासकर जो इंडिया रिटर्न कर रहे हैं उनको एयर सुविधा फॉर्म भरना पड़ता है, जितने भी इंटरनेशनल ट्रैवलर्स हैं। बहुत ही बेसिक फॉर्म, इन सब के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में देने जा रहा हूँ। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो आपको बेसिक क्रेडेंशियल्स भरने होते हैं, योर फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ, योर जेंडर, फ्लाइट नंबर, सीट नंबर अगर आपके पास है, इसमें ऑप्शनल दिया हुआ है तो अगर आपके पास है तो आप स्पेसिफाई कर सकते हैं, अगर नहीं है तो 00 यहाँ पे स्पेसिफाई कर दीजिए इस तरीके से, ठीक है। PNR नंबर आपकी फ़्लाइट का जो आपके पास डेफिनेटली हो गई, नेशनैलिटी, पासपोर्ट नंबर। अब आपको यहाँ पे अपने पासपोर्ट की कॉपी अपलोड करनी है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूँ, जो कि मेरे को भी आया था इशू, जब मैं अपना फॉर्म वहाँ पे भर रहा था तो मुझे अपलोड योर पासपोर्ट कॉपी, अपलोड फाइल टाइप PDF, द मैक्सिमम अपलोड साइज इज़ 1 MB। तो कई बार क्या होता है कि जो फाइल्स आपको मिलती हैं वो 2 MB, 4 MB, 5 MB की भी हो सकती हैं, तो उनको आप रिड्यूस कर सकते हैं उनका साइज़ बाय यूजिंग सम काइंड ऑफ फ्री सॉफ्टवेयर लाइक PDF कंप्रेसर टूल्स करके आपको मिल जाते हैं। गूगल भी कर सकते हैं, नहीं तो इसका लिंक भी मैं आपको एक आधा कोई दे दूंगा, वो आप यूज़ करें और जो फाइल को अपलोड करके यहाँ पे उसको डाउनलोड कर लें और फिर उस फाइल को अपलोड करने की कोशिश करें एयर सुविधा पोर्टल पे, क्योंकि यहाँ इशू आ सकता है। हाउ टू रिड्यूस फाइल साइज़, इसके बारे में भी दिया है, इन्होंने लिंक दिया है किसी फ्री सॉफ्टवेयर का, टूल का, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। आई थिंक ये अभी लोड नहीं हो रहा है, लेकिन बहुत ईजिली आपको जो है यहाँ पे PDF कंप्रेसर करके जैसे एक दिया हुआ है, ठीक है। तो ये फ़ोन पे आप डाउनलोड कर सकते हैं, फ़ोन पे आप इसको कंप्रेस कर सकते हैं इसका साइज़। एनीवेज आगे चलते हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पर मैं आपको बताना चाहता था। डेट ऑफ अराइवल, कंट्री ऑफ डिपार्चर, ठीक है। तो आप जैसे मालदीव सेलेक्ट करेंगे, आर यू टेकिंग अ कनेक्टिंग डोमेस्टिक फ्लाइट, येस और नो। तो आपके केस में नो है क्योंकि आप इंटरनेशनल फ्लाइट ले रहे हैं। अपलोड RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट, जो आप मालदीव में कराएंगे उसको आपको अपलोड करना है, ठीक है। यहाँ पे भी लिंक दी है हाउ टू रिड्यूस फाइल साइज। डेट ऑफ RT-PCR टेकन, तो अगर आपको सेम डे मिली है रिपोर्ट मॉर्निंग में तो आप वही डेट डालेंगे जिस दिन आपको रिपोर्ट डिलीवर की गई है। अपलोड वैक्सीन सर्टिफिकेट, वो ऑब्वियसली आपके पास होंगे, ये डॉक्यूमेंट्स रेडी होंगे, तो इन डॉक्यूमेंट्स की हार्ड कॉपीज़ ले जानी ना भूलें। पहली बात, हार्ड कॉपीज़ हर डॉक्यूमेंट के आपके पास हों, क्योंकि हार्ड कॉपीज़ को ज़्यादातर वो प्रेफरेंस देते हैं। फ़ोन में भी वो चेक कर लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई फ़ोन में डिनाई करेगा फ़ोन में चेक करने के लिए, आपको डॉक्यूमेंट्स चेक हो जाएंगे, लेकिन आपको जो डॉक्यूमेंट्स हैं फ़ोन और अपने हार्ड कॉपीज़ के तौर पे भी लेके चलने हैं। सिटी ऑफ डिपार्चर, जहाँ से आप जा रहे हैं, मालदीव्स, मौले, फर्स्ट एयरपोर्ट ऑफ एंट्री इंडिया में कहाँ आप आएंगे, फर्स्ट एयरपोर्ट ऑफ एंट्री, स्टेट, यूनियन टेरिटरीज, यहाँ पे आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। फाइनल डेस्टिनेशन, हाउस नंबर, आपको अपना लोकल एड्रेस इंडिया का यहाँ पे डालना पड़ेगा, अपना मोबाइल नंबर देना पड़ेगा, ऑल्टरनेटिव कॉन्टैक्ट नंबर देना पड़ेगा, कुछ सिम्टम्स हैं आपको या कोई किसी किस्म की आपकी ख़राब मेडिकल हिस्ट्री है, कुछ डिजीज़ हैं आपको, तो उसके बारे में भी आपको यहाँ स्पेसिफाई करना पड़ेगा। डिटेल्स ऑफ द कंट्रीज विजिटेड इन द लास्ट 14 डेज, तो ये भी आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। उस केस के अंदर आप मालदीव्स कर सकते हैं, राइट। हाउ मेनी पैसेंजर्स आर ट्रैवलिंग, तो 1-2 यूजुअली सब इंडिविजुअली भरते हैं, तो आप जो है 1 सिलेक्ट कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं अगर आप सेम एड्रेस पे जा रहे हैं, तो आपको अकॉर्डिंगली ये चीज़ें भरनी होती हैं। बाय द वे, ये जो डिटेल्स मांगते हैं यूजुअली एक बंदे के लिए, एक इंडिविजुअल के लिए फिल करने के लिए, ऑनेस्टली। इसके बाद आप इसे सबमिट कर देते हैं, इसका एक एक्नॉलेजमेंट ईमेल जाता है आपके मेलिंग एड्रेस पे, ठीक है, वो आपको मिल जाता है वहाँ पे। उसको आप, अगर आपके पास टाइम नहीं है, प्रोविजन नहीं है प्रिंट आउट लेने का, तो मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि मेरे फ़ोन पे एक्नॉलेजमेंट आ गया था, उसके अंदर एक PDF फाइल अटैच थी, जो कि जब मैं एयरपोर्ट पे आया, दिल्ली एयरपोर्ट पे आया, तो उन्होंने मेरी वो फ़ोन पे ही चेक कर ली थी एयर सुविधा की, जो मेरी एक्नॉलेजमेंट थी और जो डिटेल्स मैंने वहाँ पे
सबमिट की थी। ठीक है, तो ये होता है। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि जब आप दिल्ली एयरपोर्ट या मुंबई एयरपोर्ट या किसी भी एयरपोर्ट पे इंडिया में एंटर करते हैं तो वो आपके फ़ोन पे चेक कर लेते हैं इसको, पहली चीज़ जैसे मैंने बात की। इसके अलावा आपको एक स्पेशल काउंटर में जाना पड़ता है जहाँ पे वो आपका एयर सुविधा का डिटेल्स चेक करेंगे, आपके फ़ोन से ही चेक कर लेंगे, और वो देख के वो आपके बोर्डिंग पास पे जो है स्टैंपिंग लगाएंगे। तो मेक श्योर कि बोर्डिंग पास को आप फाड़े ना और घुमाए ना, वो स्टैंपिंग करके आपको जाने देते हैं, और दैट्स हाउ यू गो अबाउट इट। ठीक है, उसके बाद आप इमिग्रेशन के लिए जाते हैं, एग्जिट करते हैं। तो ये था एयर सुविधा के बारे में, बहुत क्लियरली मैंने आपको बता दिया है। और अब बात करते हैं कि किस तरीके से आप अपने होटल्स बुक करने जा रहे हैं। तो आपको क्या है कि इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपका, ये लेटेस्ट रिवाइज्ड लिस्ट है बाय मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म रिपब्लिक ऑफ मालदीव्स, अप्रूव्ड ओपनिंग डेट्स ऑफ टूरिस्ट रिजॉर्ट्स, याच मरीनास, टूरिस्ट होटल्स, टूरिस्ट वेसल्स, गेस्ट हाउसेस। तो यहाँ पे सभी होटल्स और गेस्ट हाउसेस की जो अप्रूव्ड हैं, जो मिनिस्ट्री ऑफ मालदीव्स ने, टूरिज्म ने अप्रूव किए हुए, उनके सबके एड्रेस या उनके जो आता पता नाम जो है एटलीस्ट आपको मिल जाते हैं कब से वो ऑपरेट कर रहे हैं। तो फॉर इंस्टेंस अगर मुझे एक होटल बुक करना है, इस वक्त मैं प्राइस नहीं देखूंगा कब कितना महंगा है सस्ता है, बट आपको डेमो दे रहा हूँ। तो बहुत सिंपल है, आप किसी भी थर्ड पार्टी साइट को खोल सकते हैं। जैसे मैंने अगोडा से बुक किए थे, तो मैं रिकमेंड नहीं करता, वो आपकी चॉइस है कि आप मेक माई ट्रिप से करना चाहते हैं, अगोडा से करना चाहते हैं, स्काई स्कैनर से करना चाहते हैं। पर जैसे कि मैंने जो अगोडा से किया था अपना, तो मैं आपको वो दिखा देता हूँ कि बहुत सिंपल है। जैसे कि मैंने पहला जो है होटल का नाम यहाँ से कॉपी किया, ठीक है, इस लिस्ट से सीधा मैं यहाँ पर आ जाऊँ, और यहाँ पर मैं कुछ भी डाल सकता हूँ। जैसे कि इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, फोर सीजन्स, जस्ट अ सेक, ठीक है, फोर सीजन्स यही था एड्रेस, राइट। तो इस पर क्लिक करते हैं, डेट सेलेक्ट कर लीजिए एंड सिंपली डू अ सर्च। बाकी आप इसे यूज़ करना अच्छे से जानते ही होंगे ऑलरेडी। यूजुअली आप कोई भी प्रेफरेंसेस जो हैं चूज़ कर सकते हैं, किसी भी लिंक पे जाके नीचे थोड़ा जाएं तो सारी जो फैसिलिटीज़ हैं उसके बारे में पढ़ लें यहाँ पे, और नीचे आपको पैकेजेस मिल जाते हैं कि क्या क्या इंक्लूजन्स आपको चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली उसके बेसिस पे उनकी प्राइसिंग भी होती है, फिर आपको पता ही है। दिस इज़ वेरी एक्सपेंसिव, लेकिन बहुत सारे आपको सस्ते प्रोविजन्स गेस्ट हाउसेस के, होटल्स के, वहाँ से देखने को मिल जाएंगे इस लिंक से। तो ये लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में आपके लिए शेयर कर दूँगा। फ़्लाइट्स की अगर बात की जाए, बहुत सिंपल है, मैं नहीं समझता कि इसके बारे में ज़्यादा डिस्कशन की ज़रूरत है। बहुत सिंपल है, इंडिगो और जो गो एयर हैं दोनों फ्लाई कर रही हैं इस वक्त। तो जैसे आप गो इंडिगो की साइट पे जाएंगे, दिल्ली टू आप मॉले सेलेक्ट कर लीजिए यहाँ पे, और डेट आगे की, जैसे कि मैं फेब की लेता हूँ, फर्स्ट ऑफ फेब की लेता हूँ यहाँ पे, और रिटर्न डेट हम लेते हैं कुछ सिक्स्थ की, संडे की। सर्च करते हैं, सेलेक्ट कंट्री एज इन इंडिया, राइट, प्रोसीड। तो यूजुअली जो फेयर्स हैं वो आपको 19,000 तक पड़ जाते हैं, क्योंकि आप जितनी जल्दी लेंगे तो उतना ही एक्सपेंसिव ऑफ कोर्स आपको पड़ता है, राइट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी 20,000 आ रहा है फेयर, ये सस्ता भी हो जाता है कहीं पर, 19,000 भी दिखाता है, और आगे की अगर आप बुक करेंगे। यूजुअली जो अभी फेयर्स चल रहे हैं इस दौरान, वो कुछ 20,000 या 22,000 के बीच में चल रहे हैं। एनीवेज, ये थी फ्लाइट्स के बारे में बात, हमने बात की होटल्स के बारे में, हमने बात की इस लिस्ट के बारे में, राइट, इन सभी के लिंक्स देने जा रहा हूँ। एयर सुविधा के बारे में हमने बात की, मुंगा पोर्टल के बारे में हमने बात की। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था इस रिवाइज्ड वीडियो में। ऑलराइटी गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कैसी लगी, गिव इट अ थम्स अप, लाइक कीजिए वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, और ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल मॉर्निंग मैन अब्रॉड। मिलता हूँ अगली वीडियो में, कुछ सवाल जवाब हों तो नीचे कॉमेंट सेक्शन दिया है, पूछ सकते हैं आपसे। थैंक यू सो मच, बाय।